हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं गैस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी, और जिसे हम वेपर फेज क्रोमैटोग्राफी भी कहते हैं। एंड आज का टॉपिक आपका यही है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गैस क्रोमैटोग्राफी कंसिस्ट ऑफ गैस सॉलिड क्रोमैटोग्राफी एंड गैस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी। जो आपका गैस क्रोमैटोग्राफी होता है वो टू टाइप्स का हो सकता है, डिपेंड करता है कि स्टेशनरी फेज कैसा यूज़ हो रहा है। अगर स्टेशनरी फेज जो होता है वो लिक्विड होगा तब आपका ये गैस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी हो जाएगी, एंड अगर स्टेशनरी फेज जो होता है सॉलिड होता है तब आपका ये गैस सॉलिड क्रोमैटोग्राफी हो जाती। तो जो हमारा टॉपिक है आज का, गैस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी होता है, तो इन बोथ टाइप्स गैस इज़ यूज्ड एज अ मोबाइल फेज एंड इधर सॉलिड और लिक्विड इज़ यूज्ड एज ए स्टेशनरी फेज। इन दोनों टाइप्स ऑफ क्रोमैटोग्राफी में क्या होता है, जो स्टेशनरी फेज होता है वो लिक्विड होता है और जो गैस होता है वो आपका मोबाइल फेज की तरह यूज होता है। तो नेक्स्ट कम टू द प्रिंसिपल, किस तरीके से ये वर्क करता है। ये ज़्यादा मतलब कह सकते हैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें बस प्रिंसिपल है, और आप इसके बाकी अगर एप्लीकेशन की बात करें तो ये सेम वही एप्लीकेशन यू लिख सकते हो कि इसमें क्या होता है कि ये ज़्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन इसका एप्लीकेशन ये है कि मिक्सचर को भी सेपरेट, मतलब एक मिक्सचर में एक डिज़ायरेबल कंपोनेंट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए या निकालने के लिए, सेपरेशन के लिए, एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ होता है ये प्रिंसिपल। ठीक है, तो बात करते हैं द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन इन GLC इज पार्टीशन। जो प्रिंसिपल, जिस प्रिंसिपल पे वर्क करता है वो आपका पार्टीशन पे करता है। आपने पढ़ा होगा कि एडजॉर्बेंट और पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी। तो गैस इज़ यूज्ड एज अ मोबाइल फेज, इसमें आपको पता है कि गैस क्या है, एज अ मोबाइल फेज की तरह काम कर रहा है, क्योंकि जो गैस होता है वो एक जगह नहीं है, इसको मूव कराया जा रहा है, इसलिए इसका नाम मोबाइल फेज है। लिक्विड क्या होता है, एक कॉलम में रखा जाता है। लिक्विड कोटेड ऑन अ सॉलिड सपोर्ट इज़ यूज्ड एज अ स्टेशनरी फेज, इसको एज अ स्टेशनरी फेज यूज़ किया जाता है लिक्विड को। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं द मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट टू बी सेपरेटेड इज कन्वर्टेड टू वेपर एंड मिक्स विद द गैसेस मोबाइल फेज। अभी आप इसका डायग्राम देखेंगे तो उससे ये क्लियर हो जाएगा कि प्रिंसिपल किस तरीके से यहाँ पे अप्लाई हुआ है। तो द मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट टू बी सेपरेटेड इज कन्वर्टेड टू वेपर, जो भी आपका सैम्पल है वो अगर लिक्विड में है तो क्या होगा, उसको क्या करेंगे, वेपर में या गैस में मिक्स हो जाएगा एज अ वेपर। ठीक है, वेपर में कन्वर्ट होगा, और क्या होगा, जिस तरीके से आप पानी को हीट करते हो गैस पे, फ्लेम पे, तो वो क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर गैस में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर लिक्विड में है तो क्या होगा, ये वेपर में कन्वर्ट होगा और फिर क्या होगा, मोबाइल फेज में मिक्स हो जाएगा। द कंपोनेंट विच इज़ मोर सॉलिबल इन स्टेशनरी फेज, आपका स्टेशनरी फेज लगा होगा जो कि लिक्विड है, तो अगर इस तरीके से जो आपका जो कंपोनेंट है, जो हमने सैंपल लोड किया, तो स्टेशनरी फेज में वो ट्रेवल स्लो करेगा, मतलब ट्रेवल जो करेगा वो स्लो करेगा, अगर जो कि ज़्यादा स्टेशनरी फेज में सॉल्युबल होगा, अगर यहाँ पे सॉल्व हो, मतलब कह सकते हैं एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो ये मूव नहीं कर पाएगा। तो लेटर यानी एल्यूट क्या होते हैं, जो भी कॉलम से बाहर निकलते हैं कंपोनेंट, उसको एल्यूट कहते हैं। तो जो ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा वो लेट बहुत स्लो मूव करेगा कॉलम से, और स्टेशनरी फेज में क्योंकि वो एब्जॉर्ब हो गया तो वो बाद में निकलेगा। द कंपोनेंट विच इज़ लेस सॉल्युबल इन स्टेशनरी फेज, जो भी स्टेशनरी फेज में क्योंकि वो लिक्विड है, और लिक्विड में अगर सैंपल मिक्स हो जा रहा है ज़्यादा, अगर कम हो रहा है तो क्या होगा, वो फास्ट ट्रेवल करेगा और जल्दी से बाहर निकल जाएगा। तो अगर हम इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें, क्या क्या अपैरेटस यूज़ होता है, तो इसमें हम एक कैरियर गैस यूज़ करते हैं, यानी जो गैस को कैरी करता है, एक सिलेंडर टाइप का होता है, तो इसमें हम ज़्यादातर हाइड्रोजन गैस फिल करते हैं, हीलियम यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन यूज़ करते हैं, ऑर्गन, पर मोस्ट जो गैस यूज़ होता है वो हीलियम यूज़ होता है, क्योंकि हम इसमें इनर्ट गैस यूज़ करते हैं ताकि ये सैंपल के साथ रिएक्ट ना करे। ठीक है, तो फ्लो रेगुलेटर होता है इसमें। अब ये जो गैस को रन कराता है, यहाँ पे सिलेंडर लगा होता है, तो आपने अपने घर में ही देखा होगा सिलेंडर में, तो इस तरीके से यहाँ पे जो होगा, ये एक पाइप या रेगुलेटर लगा होता है, जो कि मेनली ग्लास का बना होता है, या रेगुलेटर लगा होता है, जिससे क्या करता है, कोई भी जो गैस यहाँ पे फिल है वो डिलीवर होता है। ठीक है, एक यूनिफॉर्म वे में, ठीक है, एक प्रॉपर तरीके से डिलीवर होता है। नेक्स्ट आपका आता है इसमें इंजेक्शन डिवाइस। इंजेक्शन, जो इंजेक्टर होता है, इंजेक्टर क्या करता है, सैंपल को लोड करता है कॉलम में। ठीक है,
ये इसलिए यूज़ होता है। कॉलम क्या होता है, कॉलम में हमारा स्टेशनरी फेज रहता है और जो कि लिक्विड होता है, तो इसने कॉलम क्या करते हैं, ये सेपरेशन को डिसाइड करता है, जो सेपरेशन हो रहा है, जो अभी जो ज़्यादा सॉल्युबल है या फिर लेस सॉल्युबल है, उनका सेपरेशन हो रहा है उनकी इफ़िशियंसी के अकॉर्डिंग। फिर आता है टेम्परेचर कंट्रोल। ये जो कॉलम होता है इसको क्या रखते हैं, एक ओवन में रखते हैं, तो टेम्परेचर कंट्रोल डिवाइस लगा होता है, और डायरेक्टर क्या करता है, जितने भी यहाँ पे कंपोनेंट इल्यूट होते हैं उनको डिटेक्ट करता है, और रीडर क्या करता है, एक ग्राफ बनाता है कंप्यूटर पे, जिससे ये पता चलता है कि कौन सा कंपोनेंट ज़्यादा, जिसका ज़्यादा ग्राफ अच्छा बनेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, वो जल्दी निकलता है। तो ये आप इंस्ट्रूमेंटेशन ऑपरेटर्स के थ्रू समझिए। अगर हम बात करें तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, अब आपको प्रिंसिपल समझ आ जाएगा। यहाँ पे ये गैस लगा हुआ है, ठीक है, ये कैरियर गैस है, इसमें गैस भरा हुआ है, मान लीजिए हीलियम भरा है, क्योंकि इनर्ट गैस है, तो इसको हमने मोबाइल फेज कहा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये रेगुलेटर, फ्लो रेगुलेटर लगा हुआ है, यहाँ पे कंट्रोलर भी लगा होता है जो कि कंट्रोल करता है कि गैस कितना फ्लो करे, अगर कम करना है, ज़्यादा करना है, इससे गैस फ्लो होता है। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इंजेक्टर लगा हुआ है, यहाँ से सैंपल को लोड किया जाता है कॉलम पे, और ये आपका कॉलम है, ये कॉलम है, ठीक है, इस तरीके से बना हुआ है, कॉलम है, जिसमें क्या है, लिक्विड फेज। अगर हम इस तरीके से निकाल के देखें तो इससे एक एक कॉलम में क्या है, लिक्विड फेज भरा हुआ है, और ये पूरा जो बॉक्स है आपका क्या है, आपका ओवन है, ओवन में आपका टेम्परेचर रेगुलेट होता है, ठीक है। अब यहाँ से मान लीजिए सैंपल को लोड किया गया, सैंपल लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, यहाँ से आपका गैस फ्लो कर रहा है, तो गैस की फ्लो करने से जो आपका लिक्विड सैंपल है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और गैस के साथ मिक्स होकर आपके कॉलम में जाएगा। अब ये कॉलम में जाएगा, अगर मैं एक कॉलम को ऐसे करूँ इस तरीके से, तो यहाँ पर आपका लिक्विड है, अगर ये जो आपका सैंपल है अगर इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, यानी जो ज़्यादा सॉल्युबल होगा इसमें, तो वो क्या होगा, लेट जाएगा, यानी इसमें एल्यूट जल्दी नहीं होगा, बहुत स्लो ट्रेवल करेगा। और जो यहाँ पे आपका कंपोनेंट है, अगर इसमें लेस सॉल्युबल है इस लिक्विड फेज, स्टेशनरी फेज में, तो वो जल्दी ट्रेवल करेगा और जल्दी यहाँ से एल्यूट हो जाएगा। ये एल्यूट का मतलब जो कॉलम से जो भी एल्यूटेड हो रहा है, यानी जो भी आपका कंपोनेंट एल्यूट हो रहा है, ठीक है, इसको कह रहे हैं। और यहाँ से जब जाएगा तो यहाँ पे आप देख रहे हो डिटेक्टर लगा हुआ है, इसको डिटेक्ट करेगा, फिर यहाँ से आपका एक कंप्यूटर या रीडर के थ्रू एक ग्राफ बनेगा, जो कि रिस्पांस यहाँ से आया। और ये जो ग्राफ जो ऊपर की तरफ पिक पे है, इसको हम बोलेंगे जो इसका मतलब, ये लेस सॉल्युबल है स्टेशनरी फेज में, इसलिए ज़्यादा पहले आ गया, और जो नीचे की तरफ है लेट आया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन सा कंपोनेंट पहले आया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। और आपका ये जो कॉलम बना होता है, बेसिकली ज़्यादातर स्टेनलेस स्टील से बना होता है, कभी कभी ग्लास से भी बना होता है, और लिक्विड जो आप समझ सकते हो, तो जो लिक्विड हाई बॉइलिंग पॉइंट का होना चाहिए, जो स्टेशनरी फेज में यूज़ हो रहा है, ठीक है, ये आपका पूरा एक प्रोसीजर है जो इस तरीके से रन कर रहा है। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।